अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनीद और आप देख रही है मेरी यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो कुछ लोगों के लिए बोरिंग होने वाली है और कुछ लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज का वीडियो खासकर बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट के लिए है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सीएसई स्कॉलरशिप के लिए अपना मेजर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फाइंड कर सकते हैं। मेजर फाइंड करने के बाद कैसे हम रिसर्च रिलेटेड प्रोफेसर को फाइंड कर सकते हैं और किस तरह प्रोफेसर का रिसर्च प्रोफाइल देख के एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल कर सकते हैं। सो मे भी ये वीडियो लंबी हो लेकिन आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। सो वीडियो को आखिर तक देखें और फिर आप लोग की जो क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है campuschina.org। campuschina.org को सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप लोग यहां से जस्ट थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पर आप लोग को 3 कैटेगरी नज़र आएगी। यहां पर आप लोग अपना फील्ड सर्च करें, अपना मेजर सर्च करें। तो यहां पर मैं अपना मेजर सर्च कर रहा हूं। अब यहां पर आप लोग अपनी डिग्री सेलेक्ट करें। तो मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं मास्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करें तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करता हूँ। सर्च पर क्लिक करने के बाद ये वो सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो मास्टर्स टोमाटोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर कर रही है थ्रू सीएससी स्कॉलरशिप। और ये ऑलमोस्ट 23 यूनिवर्सिटीज़ है जो टोमाटोलॉजी ऑफर कर रही है। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं केमिस्ट्री सर्च करूँ और यहाँ सर्च पे क्लिक करूँ तो ये वो सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो मास्टर केमिस्ट्री ऑफर कर रही है इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये ऑलमोस्ट 83 यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है जिसमें आप मास्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पर क्लिक करूँ और देखूँ कि क्या सच में ये यूनिवर्सिटी मास्टर केमिस्ट्री ऑफर कर रही है या नहीं, तो यहाँ पर मैं इस यूनिवर्सिटी पर क्लिक करता हूँ, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस पर क्लिक करने के बाद ये वो सारे प्रोग्राम्स ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पर आप लोग को नज़र आ रहा है 4, तो ये यहाँ से बैचलर सेलेक्ट है तो आप लोग यहाँ से मास्टर सेलेक्ट करें। तो मैंने मास्टर सेलेक्ट किया तो ड्यूरेशन 2 हो गया। कुछ यूनिवर्सिटी की मास्टर ड्यूरेशन जो होती है वो 3 ईयर्स होती है लेकिन यहाँ पर 2 ईयर्स है। तो ये वो सारे प्रोग्राम्स है जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स है। तो अब इस प्रोग्राम में आप लोगों ने अपना मेजर कैसे ढूंढना है, तो आप लोग जस्ट कंट्रोल प्रेस करके F को दबाना है। तो जैसे आप ये दबाओगे तो ये छोटा सा सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप लोग जस्ट यहाँ पर केमिस्ट्री सर्च करें, CHEMISTRY। तो यहाँ पर इतने सारे जो है वो उन्होंने हाईलाइट की। तो यहाँ पर नैनो केमिस्ट्री में आप मास्टर कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और यहाँ पर सिंपल केमिस्ट्री में भी आप मास्टर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग अपना मेजर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ कि आप लोगों ने कैसे प्रोफेसर फाइंड करना है। मुझे केमिस्ट्री या फिज़िक्स का कोई इतना नॉलेज नहीं है तो मैं आप लोगों को अपने ही मेजर में प्रोफेसर फाइंड करके दिखाता हूँ। तो उसी तरह सेम तरीके से आप लोग अपने मेजर में प्रोफेसर फाइंड करके इनका जो रिसर्च प्रोफाइल है, इनका जो पब्लिकेशन है वो देख के आप लोग एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अच्छा जी, मैंने डेंटिस्ट्री में बैचलर की है। सो मेरी जितनी भी डेंटिस्ट्री में सब्जेक्ट हैं उन सब में मैं मास्टर या एमपिल कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे सब्जेक्ट है पेरियोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, प्रोस्टोडोंटिक्स, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, डेंटल मटेरियल्स एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। अब सीएससी जो है वो ये मेजर्स ऑफर नहीं कर रही क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी जो ट्यूशन फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं स्टोमेटोलॉजी के थ्रू अप्लाई करूँगा क्योंकि स्टोमेटोलॉजी भी सम हाउ अबाउट डेंटिस्ट्री। सो यहाँ पर मैं स्टोमेटोलॉजी सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्टोमेटोलॉजी सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने सर्च पे क्लिक किया।
तो ये वो सारी यूनिवर्सिटीज है जो स्टोमाटोलॉजी ऑफर कर रही है। अब अगर मैं यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी चेक करूँ, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की, ये सच में स्टोमाटोलॉजी ऑफर कर रही है कि नहीं, तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया तो ये अब ओपन हो रहा है। तो जस्ट मैंने यहाँ मास्टर पे क्लिक किया, मास्टर पर क्लिक करने के बाद अब ये लोड नहीं हुआ है, अभी लोड हो गया। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्यूरेशन ईयर है वो 3 है, क्योंकि इसमें एक ईयर जो है वो रिसर्च होता है, एक ईयर जो है वो कोर्स वर्क होता है, और एक ईयर जो है आपकी इंग्लिश जो है सॉरी चाइनीज़ आप लोगों को सिखाती है वो होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल कंट्रोल प्रेस करके एप दबाता हूँ तो ये सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर मैं स्टोमाटोलॉजी लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टोमाटोलॉजी ये लोग ऑफर कर रही है। तो अभी आप लोगों ने प्रोफेसर कैसे फाइंड करना है, तो सिंपल यहाँ से मैं इस नेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ एक न्यू टैब ओपन करके वही मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो साइट है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। आप लोग अपने हिसाब से करें, जस्ट मैं आप लोगों को तरीका सिखाता हूँ कि आप लोगों ने फैकल्टी कैसे फाइंड करनी है। अच्छा जी, तो ये वेबसाइट ओपन हो गया। हर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट एक दूसरे से चेंज होता है। जब आप फैकल्टी फाइंड करोगे तो आप लोगों ने सर्च करना होगा। तो कुछ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऐसे होते हैं कि वो यहाँ पे मेंशन करते हैं फैकल्टी, जैसे आप फैकल्टी पर क्लिक करते हो तो उस यूनिवर्सिटी की जितनी भी फैकल्टी होती है वो ओपन हो जाती है। तो अब यहाँ पर कोई फैकल्टी मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ होम, अबाउट, स्कूल्स, रिसर्च, इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है मेंशन है। तो इस केस में आप लोगों ने फिर अपना मेजर फाइंड करना होता है या अपना डिपार्टमेंट जो है वो फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे मैं अगर कर्सर जो है वो मैं स्कूल पे रखूँ तो ये वो सारी डिपार्टमेंट या वो सारी मेजर्स है जो यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पर सिंपल मैं अपना मेजर या डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ, स्टोमाटोलॉजी पे। तो जैसे मैंने स्टोमाटोलॉजी पर क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अब इसमें देखते हैं कि मेरी फैकल्टी मेंशन है कि नहीं। अगर मेरी फैकल्टी मेंशन नहीं है तो फिर मैं अपना फैकल्टी जो है वो गूगल स्कॉलर से निकालूंगा। तो वो तरीका भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर आप लोग को फैकल्टी नहीं मिल रही तो आप लोगों ने फैकल्टी कैसे गूगल स्कॉलर से निकालना है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पर फैकल्टी मेंशन है। तो यहाँ पर जस्ट मैं क्लिक करता हूँ फैकल्टी पे और ये स्टोमाटोलॉजी की फैकल्टी है। अच्छा, तो यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ एक ही प्रोफेसर को मेंशन किया हुआ है जो कि ओरल मेडिसिन टीच करती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है। अभी आप लोगों ने डेटा जो है वो नोट करना है अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर पहले नोट कर रहा हूँ कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, और जो मेरा मेजर है वो क्या है, स्टोमाटोलॉजी है, तो मैंने स्टोमाटोलॉजी लिख लिया। अब आपने प्रोफेसर का नाम यहाँ पर नोट करना है। तो यहाँ से मैंने प्रोफेसर का जो नाम है वो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब हम इनका ईमेल एड्रेस जो है वो निकालेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इसके पिक्चर पे क्लिक करूँ तो हाँ, बिल्कुल ये ओपन हो रहा है। जैसे मैंने इनके प्रोफाइल पे क्लिक किया तो ये इनका प्रोफाइल जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पर इनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन है, इनकी जो पब्लिकेशन है और इनके जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर मेंशन है। तो अभी हमने क्या करना है कि यहाँ से पहले इनका जो ईमेल है वो उठाना है। तो मैंने यहाँ से ईमेल कॉपी किया। ईमेल कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इनका ईमेल पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब हम जाते हैं इनकी रिसर्च पब्लिकेशन की तरफ। तो सिंपल यहाँ पे मैं इनका जो पब्लिकेशन है उस पर क्लिक करता हूँ। तो ये इनकी पब्लिकेशंस हैं, ऑलमोस्ट 16 पब्लिकेशन है इसकी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि आप लोगों ने प्रोफेसर ऐसे फाइंड करना है कि उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है और आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो बिल्कुल सेम हो। ऐसा नहीं हो कि प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है आपसे, तो फिर वो कभी भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देगा। तो यहाँ पर मैं इनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो देखता हूँ कि क्या वो सेम है मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से।
यहाँ पर मुझे कुछ सिमिलर नहीं मिला, तो मैं यहाँ पर सिंपल रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करता हूँ। रिसर्च प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। अच्छा, अब इनकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो ये है। तो इनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये सिर्फ टाइटल मेंशन है। तो अब मैं इसमें देखता हूँ कि सिमिलर अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं फिर इसको मेल भी करूँगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये मुझे सिमिलर लगा, इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट फ्लोराइड सोर्सेज ऑन इनेमल रीमिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर ये मैं नोट करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ये मैंने नोट किया। अब मैं दूसरा प्रोफेसर फाइंड करता हूँ। तो सिंपल मैंने क्या करना है कि इसको मैंने क्लोज करना है, यहाँ से काम ख़त्म हो गया। इसको भी क्लोज करना है और यहाँ से सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी हो गई। तो यहाँ से मैं इस यूनिवर्सिटी को क्लिक करता हूँ। यूनिवर्सिटी को क्लिक करने के बाद इसको वेट करते हैं कि ये ओपन हो जाए। ओके, ओपन होने के बाद यहाँ से आप अपना डिग्री सेलेक्ट करें। मैं मास्टर पे क्लिक करता हूँ। मास्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करके एप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टोमेटोलॉजी। अच्छा, तो यहाँ पर ये लोग जो है क्लिनिकल स्टोमेटोलॉजी भी ऑफर कर रही है, तो बहुत अच्छी फील्ड है। तो यहाँ से मैं यूनिवर्सिटी नेम जो है वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं अपना मेजर जो है यहाँ पे मेंशन करता हूँ। अब मैं इनकी जो फैकल्टी है वो फाइंड आउट करूँगा। तो यहाँ से मैंने नेम कॉपी किया, यहाँ पर दूसरे टैब में मैंने पेस्ट किया और मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद इनका जो ऑफिशियल साइट है मैंने उसको भी ओपन किया। अच्छा, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने के बाद अच्छा, यहाँ पे फैकल्टी मेंशन है। वहाँ पे फैकल्टी मेंशन नहीं थी। वहाँ पे हमने क्या किया, स्कूल पर क्लिक किया। स्कूल पर क्लिक करने के बाद जो हमारा मेजर था उस पर क्लिक किया और मेजर पर क्लिक करने के बाद हमने फैकल्टी निकाली। अब यहाँ पर सिंपली फैकल्टी मेंशन है, तो मैं यहाँ पर फैकल्टी एंड रिसर्च पर क्लिक करता हूँ। फैकल्टी एंड रिसर्च पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे मेंशन है एकेडमिक फैकल्टी, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सारी फैकल्टी जो है वो मेंशन है। तो इस सारे फैकल्टी में अब मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा जो है वो मेरे मेजर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये कंट्रोल को प्रेस करके एप पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये दो प्रोफेसर आ गए, मैं इनके नाम यहाँ पर नोट करता हूँ। तो दोनों प्रोफेसर के नाम मैंने नोट किए। अच्छा, अब मैं इनके पब्लिकेशन जो है वो निकालता हूँ कि क्या इसके रिसर्च इंटरेस्ट मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से सेम है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस प्रोफेसर पे क्लिक करता हूँ या इसको न्यू टैब पे ओपन करता हूँ और इसको भी न्यू टैब पे ओपन करता हूँ। तो इस प्रोफेसर का जो प्रोफाइल है वो ओपन हो गया। सबसे पहले जो है इसका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो इस प्रोफेसर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मेंशन है। इस प्रोफेसर ने यहाँ पर अपना रिसर्च इंटरेस्ट भी मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो ये इंटरेस्ट रखता है ओरल इम्प्लांटोलॉजी में, जो कि एक सब्जेक्ट है डेंटिस्ट्री का, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका इंटरेस्ट जो है वो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। इसी तरह दूसरे प्रोफेसर का फाइल भी देखते हैं। इस प्रोफेसर का ईमेल यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो मिक्स ऑफिशियल है।
तो यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब इनकी पब्लिकेशन निकालेंगे, तो आप लोगों ने पब्लिकेशन कैसे निकालनी है वही मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। तो यहाँ पर इस प्रोफेसर ने अपनी पब्लिकेशन भी मेंशन की है। अगर आप लोग को प्रोफेसर का पब्लिकेशन यूनिवर्सिटी की साइट से नहीं मिल रहा तो आप लोग गूगल स्कॉलर से भी निकाल सकते हैं। वही तरीका मैं भी आप लोग को बता दूंगा कि आप लोगों ने पब्लिकेशन कैसे सर्च करनी है। यहाँ पर इस प्रोफेसर का भी मैं पब्लिकेशन देखता हूँ कि यहाँ पे मेंशन है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे इसका पब्लिकेशन भी मेंशन है। तो यहाँ से अब मैं इनका पब्लिकेशन सिमिलर जो इंटरेस्ट है वो मैं निकालता हूँ। तो ये मेरे इंटरेस्ट से बिल्कुल सिमिलर है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं जो है पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये कौन सा प्रोफेसर है, पेंग। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और ये दूसरे प्रोफेसर का पब्लिकेशन भी देखता हूँ। तो इस प्रोफेसर का जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो भी मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से सेम है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अब अगर आप लोग को प्रोफेसर की पब्लिकेशन नहीं मिल रही तो आप लोगों ने कैसे निकालनी है, तो सिंपल आप लोगों ने एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर सर्च करने के बाद ये जो पहली साइट है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग की जो प्रोफेसर है वो आप लोगों ने मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर ये प्रोफेसर है और इसका जो पब्लिकेशन है वो मुझे यूनिवर्सिटी की साइट से नहीं मिल रही, या इसका जो इंटरेस्ट है वो मुझे यूनिवर्सिटी की साइट से नहीं मिल रही, तो मैंने कैसे इसको फाइंड आउट करना है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल स्कॉलर में जाना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने एंटर करना है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग की जो मेजर है वो भी मेंशन करनी है। तो यहाँ पर जो मेजर है वो क्लिनिकल स्टोमेटोलॉजी है, तो मैं यहाँ पर क्लिनिकल स्टोमेटोलॉजी भी मेंशन कर रहा हूँ। क्लिनिकल स्टोमेटोलॉजी और एंटर करता हूँ। सर्च करने के बाद ये बहुत सारी पब्लिकेशन निकल आए। यहाँ पर मेरे केस में सिर्फ दो प्रोफेसर जो है वो इन लोगों ने मेंशन की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनकी फैकल्टी में सिर्फ दो प्रोफेसर हो, बाकी भी प्रोफेसर हो सकते हैं। तो मेरे केस में इन दो प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से सेम नहीं था, तो फिर मैंने क्या करना था, मैंने गूगल स्कॉलर में और प्रोफेसर को निकालना था रिलेटेड टू दिस यूनिवर्सिटी और फिर उनकी रिसर्च पब्लिकेशन देख के फिर मैंने मेल करना था। लेकिन ये सेम है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2023-22 को क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देखें कि इस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन है। अगर इसको न्यू टैब पे ओपन करूँ, ओके, यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा, तो मैं आप लोग को एडवाइस करूँगा कि आप लोग गूगल क्रोम यूज़ करें। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ पे सर्च करें तो फिर ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन न्यू टैब पे कर रहा हूँ, इसको न्यू टैब पे ओपन कर रहा हूँ, तो ये दोनों जो है ओपन हो गए। एटीट्यूड टूवर्ड एंड यूज ऑफ डेंटल डैम्स बाई फाइनल ईयर डेंटल स्टूडेंट एंड ABC यूनिवर्सिटी, ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है। तो यहाँ पर ये जो सारे अतर है ये मेरी यूनिवर्सिटी से है, तो यहाँ पर इन लोग का मेल भी मेंशन है और यहाँ पर ये फैकल्टी के टीचर्स हैं। तो इस तरह आप लोगों ने जो है टीचर्स फाइंड करने हैं। अगर ये दूसरा जो है ये मैं ओपन करूँ, तो यहाँ पे जो रिसर्च है वो है प्रोसीडिंग्स ऑफ सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन करंट इशू। तो ये मेरे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। लेकिन ये जो है ये मेरे फील्ड से जो है सिमिलर है। अभी आप लोगों ने जो पब्लिकेशन निकाली है, मैंने जो निकाली हुई है वो जस्ट सिंपल टाइटल्स है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप लोग गूगल स्कॉलर ओपन करें। गूगल स्कॉलर ओपन करने के बाद प्रोफेसर का जो रिसर्च टाइटल है वो कॉपी करें। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद ये आ गया रिसर्च पब्लिकेशन।
प्रोफेसर को मेल करने से पहले आप कोशिश करें कि जो पब्लिकेशन आपके रिसर्च इंटरेस्ट से सेम है आप उसको एक दफ़ा रीड करें फिर उसको मेल करें। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और एक रीड देता हूँ इसको, तो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मैं इसको एक दफ़ा रीड करूँगा और फिर प्रोफेसर को मेल करूँगा। इसी तरह आप प्रोफेसर का पब्लिकेशन निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि आप लोगों ने अपना मेजर कैसे फाइंड करना है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, आप लोगों ने प्रोफेसर फैकल्टी कैसे फाइंड करनी है, आप लोगों ने ईमेल कैसे फाइंड करना है, आप लोगों ने प्रोफेसर की पब्लिकेशन कैसे फाइंड करनी है, आप लोगों ने प्रोफेसर का जो इंटरेस्ट है वो कैसे फाइंड करना है। अगर आप लोग को ईमेल नहीं मिल रहा तो आप लोग ईमेल जो है वो गूगल स्कॉलर से भी निकाल सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, गूगल स्कॉलर सर्च करना है, यूनिवर्सिटी नेम मेंशन करना है और प्रोफेसर नेम मेंशन करना है, एंटर करना है और फिर यहाँ आदर्स भी आना है। यहाँ पर आप लोग को ईमेल मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये जो प्रोफेसर है यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे ये मेंशन है। अगर यहाँ पे मुझे ईमेल नहीं मिल रहा तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका जो पर्सनल ईमेल है और इसका जो यूनिवर्सिटी ईमेल है दोनों ईमेल यहाँ पे मेंशन है। तो इसी तरह आप लोगों ने ये सब कुछ करना है। तो इस वीडियो का जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि प्रोफेसर का एप्लीकेशन मेंशन करके प्रोफेसर को आपने कैसे मेल करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने प्रॉपर मेल कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ और वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ABC यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है बायोलॉजी मेजर के लिए, तो आपने बायोलॉजी मेजर की जितनी भी फैकल्टी है वो आपने फाइंड आउट किया। ये बायोलॉजी मेजर की फैकल्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 5 या 6 प्रोफेसर है या 10 प्रोफेसर है, जितनी भी प्रोफेसर है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने सारे प्रोफेसरों का जो पब्लिकेशन है या रिसर्च इंटरेस्ट है वो आपने रीड किया और आपने सारे प्रोफेसर को मेल कर दिया, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि ये प्रोफेसर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं कि फलाना मुल्क से मुझे सुपरविजन के लिए रिक्वेस्ट आया है। तो फिर अगर आप तीनों को या 4-5 प्रोफेसर को एक साथ मेल करते हैं तो वो भी कहते हैं कि मुझे भी आया है, मुझे भी आया है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन सारे प्रोफेसरों की जो पब्लिकेशन है या रिसर्च इंटरेस्ट है वो पहले आपने रीड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोफेसर का जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट से बिल्कुल सिमिलर है, तो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ इस प्रोफेसर को मेल करना है, इस प्रोफेसर को आपने मेल नहीं करना है, सिर्फ आपने इस प्रोफेसर को मेल करना है। इस तरह आपने एक यूनिवर्सिटी फाइंड किया, एक प्रोफेसर को मेल किया, इस तरह आप दूसरा यूनिवर्सिटी फाइंड करें उसमें एक प्रोफेसर को मेल करें, तीसरा यूनिवर्सिटी फाइंड करें उस यूनिवर्सिटी को मेल करें। जब आपको प्रोफेसर मेल का रिस्पांस देते हैं तो वो आपसे मतलब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ प्रोफेसर आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं या कुछ प्रोफेसर आपके साथ इंटरव्यू टाइम सेट करते हैं कि आपने मुझे इंटरव्यू देना है, तो उसके बाद प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस लेटर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको F यूनिवर्सिटी, B यूनिवर्सिटी, C यूनिवर्सिटी और D यूनिवर्सिटी से आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर मिला। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप पे अप्लाई करना है, क्योंकि 2 टाइप्स होते हैं, एक टाइप ए होता है और एक टाइप बी होता है। टाइप बी में आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को एट टाइम अप्लाई कर सकते हैं, टाइप ए में आप 3 यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो एम्बेसी के थ्रू अप्लाई होता है, और टाइप बी में ऑनलाइन अप्लाई होता है। अब मिसाल के तौर पर इन 4 यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला, तो फिर आपने सर्च करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस रेशो जो है वो ज़्यादा है, मतलब इन 4 यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी की सीट ज़्यादा है, तो आपने उस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सी जो यूनिवर्सिटी है इसकी सीट जो है वो 20 है और इसकी 10 है और आपको दोनों से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, तो आप फिर सी को प्रायोरिटी दें कि आप सी को अप्लाई करें। तो आप चलते हैं मेल की तरफ कि आपने मेल कैसे करना है। कुछ स्टूडेंट को ये इशू फेस होता है कि वो कहते हैं कि हमारे इंग्लिश या वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, हमसे टाइप नहीं होता, तो उन स्टूडेंट को मैं ChatGPT रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से अपना मेल जो है वो टाइप करें। पहले इसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें कि मेरे लिए मेल टाइप करें।
अब अपना डिटेल दें कि आपका नाम क्या है, आपने कौन सी डिग्री ली है, आपकी जो GPA या आपके जो मार्क्स है वो कितने हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि माय नेम इज जुनैद अली, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम ग्रेजुएटेड ABC यूनिवर्सिटी। फिर अपना डिग्री मेंशन करें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे डिग्री मेंशन करता हूँ विद बैचलर ऑफ साइंसेस एंड रेडियोलॉजी विद अपना मार्क्स या GPA मेंशन करें 3.9 समथिंग GPA। अगर आप लोग की कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है या कोई PMDC नंबर है या कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, या अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ लाइक अंडर द रजिस्ट्रेशन नंबर 1234। अच्छा, अब अपने प्रोफेसर का नाम जो है वो मेंशन करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस प्रोफेसर का जो नेम है वो मेंशन करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, प्रोफेसर नेम इज। अच्छा, अब यहाँ पे उसका जो रिसर्च टाइटल था या जो पब्लिकेशन था वो मेंशन करें। यहाँ पे इसके साथ मेंशन करें प्रोवाइड मी एक्सेप्टेंस लेटर, और इसको जस्ट एंटर करें तो ये आपके लिए एक मेल राइट कर लेगा। फिर आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करें। तो सिंपल मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको मैं एम्प्टी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ईमेल को पेस्ट किया, तो अपने हिसाब से यहाँ पर अपना ईमेल जो है वो कस्टमाइज़ करें। देखिए मैं कैसे कस्टमाइज़ करता हूँ। अगर यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दूँ तो यहाँ पर उसका जो पब्लिकेशन है वो मेंशन है, तो इससे प्रोफेसर को लगता है कि इसने मेरा जो रिसर्च है वो सब रीड किया हुआ है और ये इंटरेस्टेड है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना मेल जो है AI से जनरेट करके उसको खुद कस्टमाइज़ करें। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल इसी तरह आप लोगों ने अपना ईमेल खुद जनरेट करके कस्टमाइज़ करना है। फिर यहाँ से कॉपी करके आपने सीधा जाना है मेल बॉक्स में, यहाँ पर आपने कंपोज पर क्लिक करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट में आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर एक दफा और अपने ईमेल को चेक करना है। चेक करने के बाद उसकी जो पब्लिकेशन है वो यहाँ पर आप लोगों ने हाईलाइट करना है। यहाँ पर मैंने उसकी पब्लिकेशन जो है इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस ए पर क्लिक करें। ए पर क्लिक करने के बाद पहले इसको बोल्ड करें। बोल्ड करने के बाद अगर आप इसको बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको येलो कर दूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो इस तरह आप लोगों ने हाईलाइट करना है। उसके बाद
जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने अपना फाइल अटैच करना है, आप लोगों ने अपना CV अटैच करना है और आप लोगों ने अपना जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अटैच करना है। तो आप लोगों ने अपना CV और ट्रांसक्रिप्ट अटैच करके फिर आप लोगों ने प्रोफेसर का जो ईमेल है वो यहाँ पे आप लोगों ने देना है, abcd@gmail.com और yahoo.com, hotmail.com etc. और इसी तरह आप प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि हम कैसे अपना मेजर जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि हम कैसे प्रोफेसर को फाइंड कर सकते हैं, कैसे फैकल्टी को निकाल सकते हैं, कैसे जो है प्रोफेसर की ईमेल को गेट कर सकते हैं, कैसे जो है प्रोफेसर की पब्लिकेशन और रिसर्च इंटरेस्ट को देख सकते हैं और किस तरह फिर हमने प्रॉपर मेल करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन हो या किसी को समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।